एवरीवन, थमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल मुम्बई राठौर व्लॉग्स में। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब और सफाइयाँ भी चल रही थी साथ साथ में, जैसे कि हम मेरी शक्ल से पता लगा सकते हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी कोल्ड है थोड़ा थोड़ा, और इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे और आज है करवा चौथ के एक दिन पहले। काई मम्मा है ने? अठिनू को नहीं आई? अठिनू को नहीं? तो गाइस आज के बाद व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे और आज करवा चौथ से एक दिन पहले, तो आज मुझे बहुत सारा काम है। मतलब मैंने सोचा नहीं था मेरी फर्स्ट करवा चौथ पे मेरी ये कंडीशन रहेगी। तो आज पार्लर भी जाना है, मेहंदियाँ भी लगवानी है, तो जुड़े रहेगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। और आप सबको ये भी बताने वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट करवा चौथ पे क्या गिफ्ट किया है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं और उसके बाद मैं नहाने वाली हूँ, और नहा के फिर देखते हैं पार्लर वाली दीदी को फ़ोन करेंगे, फिर पार्लर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। मेहंदी वाली को बुक कर लिया है वैसे तो मैंने, मतलब दो को बोला है, देखते हैं कौन सी वाली आती है, क्योंकि एंड मोमेंट पे ऐसा होता है ना कि किसी एक पे रह जाते हैं तो दोनों में से कोई भी नहीं आ पाता, इसलिए मैंने दो बुक की है। देखते हैं दोनों में से कौन सी वाली आएगी। और चलिए अब मैं जाऊँगी नहाने सबसे पहले, तो चलिए फाइनली ये तो नहा के आ चुके हैं, अब है मेरी बारी। व्लॉग में आने वाले हो आप? प्लीज प्लीज जी, देखो व्लॉग से कैसे चुप रहे हैं। हाय। अरे यार तुम भी पागल हो गए, इतना फोबिया है इनको मेरे फोन से, अब तो मेरे फोन से डरने लगे हैं। बाहर नहीं, मुझे रूम से बाहर निकाल, रूम बंद। प्लीज रूम तो खोलो यार। मेरे बाल क्यों खींच रहे हो यार? यार ऐसे कौन करता है? किसी के हस्बैंड ऐसे करते हैं क्या? जो भी ब्लॉगर है लड़कियां, उनके हस्बैंड तो मैंने नहीं देखे ऐसे करते। इनको इनका डर पता नहीं कब खुलेगा फोन से। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी कुछ खा के और फिर निकलेंगे पार्लर के लिए। आप मुझे छोड़ के आ जाना, ठीक है ना? सॉरी, आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो फिर निकलेंगे पार्लर और चलिए देखते हैं कुछ सबसे पहले खाने के लिए। मम्मा पता नहीं बाहर किससे बातें कर रहे हैं। हमारे मम्मा चढ़ रखे गेट पे। हमारे मम्मा को सफाई का बहुत ज्यादा कीड़ा है। मतलब बाहर का जो मेन गेट है ना, वो भी गंदा नहीं रहना चाहिए, उसको भी डेली पहुंचते हैं। चलो अभी तो सफाइयाँ चल रही है, बट वो डेली पहुंचते हैं उसको भी, और ये अपने अलग ही बिजी है। आज मेरे पूरे फेस पे आ रही है स्वेलिंग, आईज पे, फेस पे, पता नहीं क्यों। तबीयत तो ख़राब थी दो दिन से, इसलिए आ रही है स्वेलिंग। फिर फटाफट से रोटी बना के मैं निकल, तो अब निकल रही हूँ मैं पार्लर के लिए। यार इतने नखरे हैं यार, मतलब हद है। पहले पानी पीसी, फिर के बाद में कपड़ा चेंज कर सी, फिर के बाद में छोड़ रहा सी। इतने नाटक क्यों? मतलब मैंने छोड़ने के लिए बोला इसलिए इतने नाटक यार। इट्स अ गुड फॉर हेल्थ, जस्ट शट अप। क्या लोगे मुझे छोड़ने का? चलो चलो, फाइनली मुहूर्त निकल गया है पार्लर जाने का, और ये छोड़ के आएंगे मुझे। ये सही करो, इतनी गंदी हो रही है स्कूटी। मार्केट लगा हुआ है, मेरी माने नारियल पानी पी ले। मैं नहीं पीने वाली नारियल पानी यार,
जूस पीने आ चुके हैं। ये यहाँ का सबसे फेमस है लाटास, जो कि गणेश मंदिर के पास है, है ना? इन्हें अभी भी कोई मतलब नहीं है, काफी अच्छा सेटअप है। छोटा सा यहाँ पे बैठने की जगह भी है, बाकी जूस वगैरह या फिर सारा जो भी यहाँ पे मतलब फास्ट फूड होता है वो अवेलेबल है। राजनंदिनी ब्यूटी पार्लर, ये हमारे घर के पास ही है, वैसे मैं यहीं आया करती हूँ ज़्यादातर। हम आ गए दीदी। और ये दीदी कर रहे थे हेयर कलर किसी के, और इनके बाद था मेरा नंबर। ये बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं, मेरे तो फेवरेट हो चुके हैं जब से मेरी शादी हुई है। इन्हीं के पास से मतलब मेरे ससुराल के पास में ये ही पड़ते हैं गली में। और जैसे ही मैं पार्लर से घर पे आई तो मेहंदी वाली रेडी थी, फिर मेरे मेहंदी लगी। समथिंग 2 बजे स्टार्ट हुई थी और 5 बजे तक मेरी मेहंदी लग रही थी। मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, क्योंकि मैंने जब फेशियल करवाया तो उससे मेरी मतलब इतनी भयंकर सर्दी लगी और मेरे जुकाम लग चुकी है। क्यों आदमी आदमी को नहीं है? आदमी आदमी को नहीं करने में तो क्या होगा ना, जो कोई राजी है हमारे में। तुम को चालू कर दे ना, मैं मारो जा घबरी हूं, कम कर ले। मैं डी ठंड कर रही हूं कितनी, तो कर ले, कम कर दे। मेहंदी तो बन गई लेकिन हालत खराब हुई भयंकर, शक्ल से दिख रहा होगा है ना? सोई नहीं ना इसलिए, सोई नहीं, जुकाम हो रहा है, सोने से थोड़ी होता है जुकाम। सुबह तो नहीं था, सुबह था ऐसे नहीं, वैसे बनाओ सीधा, ऐसे नहीं सीधा। आई एम हैंग टूडे, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आज सारा काम मम्मा ही करने वाले हैं और मेरे पति देव करने वाले हैं, मैं आज फ्री हूँ, मुझे छुट्टी है। भयंकर जुकाम लग रही, बहुत तबीयत खराब हो रही है। छत पे सूख गई, फाइनली सूख चुकी है, पर इन्होंने मेरे इतना तेल लगा दिया कि ये सूखी हुई लग भी नहीं रही, सूख गई है। चलिए ले। तो गाइस कलर तो बहुत सुंदर आया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है अभी तक तो, बाकी कल पता चलेगा इसका ओरिजिनल कलर। तो चक्कू से उतार रही हूँ, देख लो ये दीदी मस्त लगती है मुझे। तो गाइस मेरी हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब, मतलब मैं पार्लर से आई थी तब से मेरे बिंदी भी नहीं लगाई और अभी तक मेरे फेस पे बिंदी नहीं है। तो सब लोग ये मत सोचना कि आज मैंने बिंदी क्यों नहीं लगा रखी, क्योंकि मैं पार्लर से आई और घर पे मेहंदी वाली बैठी थी ऑलरेडी, फिर उसके बाद मेहंदी बनवाने लग गए, टाइम ही नहीं मिला ना, मैं आज सोई, तबीयत हो रही है, बैंड बजी हुई है तबीयत की 2 दिन से, इसीलिए आप सबके पास व्लॉग्स नहीं आ रहे मेरे, क्योंकि तबीयत ख़राब थी। पर आज मैंने सोचा अभी तो ओकेजन है, व्लॉग तो शूट करना चाहिए, तबीयत तो ऐसे चलती रहेगी, इसलिए फिर किया मैंने व्लॉग शूट। सही है, आपके भी बना देती हूँ, हिंदी मम्मी के भी बना देती हूँ जैसी मुझे आती है। आज नहीं बनाना, हाँ हिंदी नहीं हुआ है, मेहंदी दिखाओ। ये देखो ये बनाई है मैंने, मैं हूँ कलाकार इसकी, पास पास करो। और ये अमित भैया का नाम लिख दिया मोटा मोटा, दिखना चाहिए ना। किसको
किसको बता रहे? किसी को नहीं, वीडियो पे बनाऊंगी ना। पीछे दिखाओ मीनू दीदी, पीछे की है सिंपल सोबर मेहंदी। ये मीनू दीदी के बाल, मीनू दीदी के। मेरी भी रच गई करीब करीब। मम्मी की, मम्मा आपके बनाऊंगी। मम्मी के देखो, मम्मी के पीछे पीछे तो वो बना गई, आगे मैं बनाऊंगी। मम्मा आज मैं वीडियो बनाने लायक ही नहीं हो रही। कोई बात नहीं, कल इसी बना के दे दूंगी। आज मेरी हो रही है तबीयत खराब, मेरे नाक छिल गए भयंकर वाले, और अब लग रही है भूख। देखते हैं कुछ मिल जाए तो खाने के लिए। उनका फोन आया था पल्लवी भाभी जी का। मीनू दीदी भैया क्या गिफ्ट दे रहे हैं? हाँ बोल तो तू। भैया क्या गिफ्ट दे रहे हो मीनू दीदी को? मीनू दीदी को क्या गिफ्ट दे रहे हो? तो मेरे से बढ़ के क्या है? हाँ ये बात तो सही है मीनू दीदी। देख मत तो फिर हम, हमें दिखाना जरूर है ना बाद में, कल देने देने के बाद जरूर दिखाना। ये फिर मैंने फटाफट से मम्मा की मेहंदी लगाई, और मेरी इस टाइम तो मतलब ऐसे हो चुका था ना कि बस मैं सो जाऊं फटाफट से, तो मम्मा ने फटाफट लगवाई और मैं सो चुकी थी इसके बाद में। पर इसके बाद करना था, जैसे कि आपको पता है मुझे वीडियो एडिट करना था, और ये है मम्मा की मेहंदी। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी बनाई हुई मेहंदी। पीछे तो रच भी गई। मम्मा पहली बार लगाए, मम्मा बोल रहे हैं मम्मा पहली बार लगाई। तो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और अभी मैंने मम्मा के मेहंदी लगाई, मीनू दीदी के मेहंदी लगाई, उससे पहले मेरे लग रही थी, मतलब मैं 11 बजे गई थी पार्लर, उसके बाद मैं वहाँ से 2-2.5 बजे मैं घर आई, तो मुझे मेहंदी वाली यहाँ तैयार मिली थी। फिर उसके बाद मेरी मेहंदी लगी थी कम से कम 5:30 बजे तक। फिर उसके बाद मैं आ गई मीनू दीदी, फिर लगाई उनके मेहंदी, फिर लगाई अभी खाना खाया, फिर मम्मी के मेहंदी लगाई। तो मेरी तो हो चुकी है भयंकर हालत खराब, ऊपर से कोल्ड वगैरह सब कुछ एक साथ आ गया। अभी ली है मैंने दवाई, और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले सोने। मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। आज तो बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा व्लॉग तो करना चाहिए। गुड नाइट से गुड नाइट टू द ऑडियंस। गुड नाइट। चलिए अब तो हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि कल जल्दी उठना है, और कल आने वाले मेरे पापा, क्योंकि आप सबको पता है मेरा पहला करवा चौथ है, तो उसमें पियर से आता है थोड़ा बहुत सामान जो भी आता है, वो मैं आपको कल दिखाने वाली हूँ। तो बने रहना, कल वाला व्लॉग होगा बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि वो है कल मेरी फर्स्ट करवा चौथ, और गिफ्ट का भी आप सबको कल ही पता लगने वाला है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट।